इंदौर कोर्ट में फर्जी जमानत दे रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला कोर्ट से पुलिस को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन ऋण पुस्तिका दिखाकर आरोपी द्वारा दो छेड़छाड़ के आरोपियों की जमानत ली जा रही है, जहां पर कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए कागज पेश किए गए तो वह जमानत के कागज फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के बारे में अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। ये माननीय न्यायालय जीएम श्री पंकज श्रीवास्तव जी है, 19/1 कोर्ट नंबर है। तो इसमें द्वारकापुरी थाने के 30 संगम के आरोप में पेश किया जा रहा थी, तो उनकी जवाब देने के लिए ये हिमांशु चौहान भूमि को अपनी करा दिया था आया था, और उसके बाद जो भू अधिकार ऋण पुस्तिका है वो प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय तो इस बात का अंदेशा हुआ कि ये फर्जी हो सकती है, उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अपना जो रिजल्ट उनको भेजकर अपराध दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया और द्वारा 420, 467, 468, 470 आई से पेश कर दिया गया। उसका जो भू अधिकार पुस्तिका थी उसके आधार पर जवाब देने के लिए लाया था, और माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की गई थी, पाया कि ये उसके आधार पर आपको रजिस्टर कराया गया। अभी इसका पीआर लिया जा रहा है, पीआर के द्वारा इससे पूछताछ की जा सकती है, उसके बाद भी आगे और चीजें सामने निकल के आएंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।